जय गुरु जी संगत जी। वैसे तो गुरु जी ने हमें हर तरह के वहमों से दूर रखा है, कोई भी रूल हम पे नहीं बनाया, बस एक बात उन्होंने हमें बोली है और बहुत ही सख्ताई के साथ बोली है। गुरु जी ने बोला है कि मैं आपके हर गुनाह माफ कर सकता हूँ, अगर आप किसी का खून भी कर देते हो तो मैं वो भी माफ कर सकता हूँ, पर अगर आप कैरेक्टरलेस हो जाते हो तो मैं उसकी माफी नहीं देता, उसकी माफी है ही नहीं। तो संगत जी, इस कलयुग में तो ट्रेंड ही यही है। गुरु जी ने यही बोला कि आने वाले टाइम पे डिवोर्स की बारिश हो जाएगी, तो आज की डेट में तो आम हो गया है ये सुनना कि डिवोर्स हो रहा है, घर घर में डिवोर्स है, इवन कि एक ही दिन में भी डिवोर्स हो रहे हैं। पहले कुछ अच्छे समय में ऐसा होता था कि डिवोर्स हो जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, जो है जैसा है आपको निभाना है, और पूरी जिंदगी भर निभाते भी थे। आज की डेट में तो एक सेकंड लगता है डिवोर्स लेने में, और लेना चाहिए अगर जायज हो तो। मेन बात है एडजस्टमेंट। आज की डेट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता, आज की डेट में कोई सहना नहीं चाहता, आज की डेट में कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, आज की डेट में कोई किसी की नीचे नहीं दबना चाहता। लेकिन संगत जी, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी, सहना तो पड़ता है। चाहे आप माँ बाप के घर से देख लीजिए, माँ बाप के अंडर रहना पड़ता है, जैसे माँ बाप ने रूल बनाए उसके बियॉन्ड रहना पड़ता है। बड़ा भाई है तो वो भी अपना एक रूल बनाता है कि बहन है तो प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे नहीं ऐसे करे, ये नहीं करना वो नहीं करना, या बड़ी बहन है तो अपने ब्रदर को लेके थोड़ा प्रोटेक्टिव होती है, तो उसको कैरिंग में बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं। और उसके बाद जब हमारी शादी होती है तो हम एक नई फैमिली में जाते हैं, वहाँ पर उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे रूल्स होते हैं, हस्बैंड के साथ बाउंडिंग हमारी कैसी भी हो, हमें उनके साथ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होने लग जाती है। मेन है हमें हमेशा उंगली नहीं करनी है, हमें अपनी तरफ जो तीन उंगलियां आती है, जिस दिन हम उसको देखने लग जाएंगे तो सारे रिश्ते आई थिंक बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं हम नहीं बदल सकते, कुछ लोगों को हम बदल ही नहीं सकते, उनसे दूर हटना ही ठीक होता है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि जहां आपकी बन ही नहीं सकती, बन ही नहीं पा रही, एक्सट्रीम हो गया, वहां आप फिर भी डिवोर्स जैसा एक स्टेप उठा सकते हैं। अदरवाइज आपको हर रिश्ते में सहना पड़ता है, और इसी का नाम जिंदगी है। तोड़ देना तो बहुत आसान होता है, बनाए रखना ही तो मुश्किल होता है। और इसकी क्या गारंटी होती है संगत जी, कि आप जिसको छोड़ रहे हैं उससे बेस्ट मिलेगा, बेटर मिलेगा। उसको छोड़ के जाएंगे तो क्या पता उसमें चार और कमियां निकल आए। तो कोशिश करें, अपना 100% दें, और कुछ आपके कर्मास भी होते हैं, जो भी हमारी झोली में पड़ता है संगत जी, किसी को भी ब्लेम ना करें, ना अपने माँ बाप को, ना खुद को, ना ही किसी थर्ड पर्सन को कि उसकी वजह से उसके इन्फ्लुएंस में हो गया, या मेरे माँ बाप ने कर दिया, या मैंने ही ये स्टेप उठाया, मेरी मर्जी थी। किसी की कोई मर्जी, किसी का कुछ नहीं चलता, सब कुछ ऊपर से होता है, डिवाइनली कनेक्शंस होते हैं, जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। सिर्फ कर्मों का लेना देना होता है, कोई बहुत ब्लेस्ड होता है, बहुत सुखी घर में चला जाता है अचानक, और कोई बहुत अच्छे घर से बहुत गरीब घर में चला जाता है। तो ये सब कर्मों का लेना देना है। किसी को इतना प्यार करने वाले घर वाले मिल जाते हैं कि एक ऊंची आवाज में घर से नहीं बोलते, और किसी को ऐसा घर मिल जाता है कि बस सारा दिन कर लिया। ये सब अपने कर्मा से, अपने कर्मा को गुरु जी ने कैसे पूरा करने के लिए क्या बोला है मैं आपको बताती हूँ। गुरु जी ने बोला, अगर आपको कोई गालियां भी निकालना हो तो आपको चुपचाप सुननी है उसकी गालियां। अगर आप बीच में उसको टोक देते हो
तो आपका कर्म बीच में रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हमने निकाली है ना उसको पिछले जन्म में, हमने ऐसी ही गालियां निकाली है, हमने ऐसे ही तंग किया है, हमने उसके लिए ऐसे ही सर्कमस्टेंस बनाए हैं, तो हमसे सोल उनकी लेती है बदले। और 10% एक्स्ट्रा ये तो भगवान का भी एक इंटरेस्ट रेशो चलता है, जो किया है अच्छा किया है बुरा किया है 10% प्लस करके तो आता ही है। बस आपका ये फर्ज है कि कटवा लो, कर्म कटवा लो, कुछ सुन के कटवा लो, कुछ गुरुजी से जुड़ के कटवा लो, कुछ गुरुजी को बता के कटवा लो, बस कटवा लो, सह जाओ। गुरुजी कहते हैं मैंने सह लिया तो तुम भी सह लो। गुरुजी ने कैसे सह लिया? क्योंकि आपको क्या लगता है कि गुरु बनना बहुत आसान है? गुरुजी आज इस लेवल पे आए तो बहुत आसानी से आ गए, क्या उनको क्रिटिसाइज किसी ने नहीं किया होगा? क्या उनको नीचा किसी ने नहीं दिखाया, या उनकी किसी ने चुगलियां नहीं की, या उनके बारे में किसी ने कुछ गलत नहीं बोला? कितने कितने अपशब्द लोग बोलते हैं आज तक, इतना करने के बाद भी। वो तो बहुत बड़े परमात्मा है, जब उनको लोगों ने नहीं बख्शा तो हम क्या है? वो सह गए तो हम क्या सह नहीं सकते? तो सहना सीखिए, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने क्या नीचा दिखा दिया, क्या गाली निकाल दी, क्या हो, हम नीचे नहीं गिर जाते। हमारी जो प्रेस्टीज है वो हमारे बातों से, हमारे नेचर से, हमारे कर्मा से झलकती है, और वो सबको दिखती है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु जी को आज की डेट में कितने लोग कितना कुछ बोलते हैं, कई गालियां तक भी देते हैं, तो क्या गुरु जी उनका बुरा करते हैं? नहीं, क्योंकि गुरु जी इन सब चीजों से बहुत हायर लेवल पे है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम गुरु जी तो नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं अपने आप को ऐसे नेगेटिव लोगों से ऊपर उठाए, ऐसी बातों का अपने ऊपर बिल्कुल भी असर ना होने दें, नेगेटिविटी से दूर रहे, अपने आप को अंदर मन में मंत्र जाप करते रहे। जब भी ऐसे सर्कमस्टांस में आप फंस जाए, बस आपके मन में मंत्र जाप होना चाहिए कि हे गुरुजी जल्दी से जल्दी कटवा, जल्दी से जल्दी कटवा, बस यही बोलते रहे। और किसी से भी अपनी कोई भी दुख, कोई भी परेशानी किसी से भी आपको शेयर नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से करना, क्योंकि वो ही है हमारे जन्मदाता, वो ही है हमारे मेन, हमारे पिता, जो कि हर जन्म में उनके आगे हमारी हमारी कर्मा की डायरी खुल जाती है। उन्हीं को पता है कि हमने क्या क्या किया है, और वो ही कटवा सकते हैं, और वो ही शॉर्ट में कटवा सकते हैं। वो चाहे तो पल भर में आंख झपके और हमारी किस्मत बदल जाए। गुरु जी कहते थे मैं तो एक बार पलक झपक दूं तो हजारों की जिंदगियां बदल दूं। तो वो एक बार पलक झपकने के लिए गुरु जी को अरदास तो करिए, और थोड़ा पेशेंसली अपने कर्मा कटवाइए, गुरु जी से जुड़िए, मंत्र जाप करिए, सत्संग करिए, गुरबानी सुनिए, और अपने करेक्टर में रहिए। ये नहीं है कि इसको छोड़ के उधर इधर, यही हस्बैंड और यही वाइफ दोनों के लिए, क्योंकि आज बहुत ट्रेंड हो रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, तो ये बहुत बड़े पाप है जो आप अपने ऊपर ले रहे हो। अच्छे टाइम में तो देख लेना, सोच लेना भी पाप है, तो यहाँ तो लोग आज कर रहे हैं, घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं, घर घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो संगत जी बचिए, जितना बच सकते हैं बचिए, और रास्ता यही है गुरबानी का, जितने जुड़ते जाएंगे उतनी इस गंदगी से बचते जाएंगे। बेसिकली ये गंदगी है, काम का बहरा है, कलयुग में काम प्रधान है, तो इस काम से बचिए। यही अट्रैक्शन बनता है, यही आपको फोर्स करता है दूसरे की तरफ, अट्रैक्शन हुआ और आप चल दिए, अपने को भूल गए। नहीं, यही नहीं करना, यही पर कंट्रोल करना है। जब आप यहाँ से कंट्रोल करना सीख गए तो आपने समझो जीत हासिल कर ली, काम से विजय पाई,
गुरुजी के नजरों में हाई लेवल पे बन गए, आपने कुछ अचीव कर लिया। तो ये गुरुजी की एडुकेशन है, गुरुजी को बोलिए कि और हमें सिखाए, हम जल्दी से जल्दी निकल आए इन सब चीजों से। और जो भी आपको गुरुजी ने लाइफ पार्टनर दिया उसके साथ खुश रहिए और उसको खुश रखने की कोशिश करिए। जय गुरुजी, शुक्राना। और अगर आप और बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक बार देवों के देव महादेव देख लीजिए कितने समर्पित हैं एक दूसरे के लिए, शिव जी और पार्वती माता। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बैलेंसिंग होती है, कैसे एक दूसरे के लिए समर्पित हुआ जाता है, कैसे एक दूसरों के वर्ड्स की कदर की जाती है। तो आप बहुत बेहतर इंसान बन जाएंगे देखने के लिए। जय गुरु जी, हमारी सोच में भी ये बातें लाने के लिए गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी।